हेलो दोस्तों, हमारे इस डेल विद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है फेम इंडिया स्कीम। ठीक है, आज के स्कीम में हम देखेंगे फेम इंडिया क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले बहुत सारा स्कीम मैंने आपको बता चुका हूं। जैसे कि यदि मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो गया, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मानधन योजना हो गया, अटल भूजल योजना हो गया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो गया। तो ये सब जो है स्कीम मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। यदि आप ये वीडियो देखना चाह रहे हैं, जितना भी स्कीम मैंने बताया आपको, तो आपको प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है फेम इंडिया स्कीम। ठीक है दोस्तों, तो फेम फेम का मतलब क्या होता है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, फेम इंडिया स्कीम्स लाया ही इसलिए गया है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, यानी कि जो बैटरी से चलने वाली जो कार है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो वायु प्रदूषण में काफी कमी आएगी। ठीक है, साथ ही साथ जो इंडिया दूसरे कंट्री से जो तेल खरीदता है वो भी कम होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर बिजली से बैटरी चार्ज होता है तो बिजली तो हम खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दूसरे देश से जो मतलब मान लीजिए डीजल या पेट्रोल जो भी हम खरीदते हैं तो वो खरीदना नहीं पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक्स डेवलप होगा। तो ये सब को देखते हुए ये फेम इंडिया स्कीम लाया गया है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम फेम इंडिया देखेंगे, जो फेम इंडिया क्या है और इसके कौन कौन से फेज हैं। इसके दो फेज हैं, फेज वन और फेज टू, इसके वो हम एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए सबसे पहला हम देखते हैं जो फेम इंडिया योजना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला तो जैसे कि मैंने बताया फेम इंडिया यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाइब्रिड का मतलब क्या है। हमने तो अभी बोला आपको कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि बैटरी पर चलने वाला कार या जो भी टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, इसको बढ़ावा देने के लिए यह किया गया। साथ ही साथ जो है ये हाइब्रिड हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि मिक्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पे चले यानी कि बैटरी पे भी चले, साथ साथ जो है जो डीजल पे भी चले या पेट्रोल जो भी है उस पे भी चले। ठीक है, तो यही होता है हाइब्रिड का मतलब। तो फेम इंडिया जैसे कि बताया फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। और इसको जो लागू किया गया था दोस्तों, तो 1 अप्रैल 2015 से लागू किया गया था इस योजना के। और इस योजना के तहत जो है 2022 तक देश भर में 60 से 70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन सड़क पर उतारने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने हाइब्रिड बता दिया क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक वाहन जो होता है, ठीक है, जो बैटरी पर चलने वाले होते हैं, चार्जेबल होता है, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए यानी 60 से 70 लाख, ठीक है, वो चाहे हाइब्रिड हो चाहे इलेक्ट्रिक हो, ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए यह योजना लाया गया है। अब इसको कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? इसको बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार क्या कर रही है, सरकार जो है सो मतलब सब्सिडीज दे रही है। जो भी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेगा उसको सब्सिडीज सरकार दे रही है, काफी किफायती यानी काफी सस्ते में जो है सो ये कार प्रोवाइड किया जाएगा उसको। ठीक है, तो इसी के लिए ये योजना लाया गया है ताकि वायु प्रदूषण कम हो, साथ ही साथ बहुत सारे इसके अभी एडवांटेज है, अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया जो डीजल या पेट्रोल हम दूसरे कंट्री से खरीदते हैं, ठीक है, तो वो भी कम होगा। और इंडिया में जितना डीजल पेट्रोल की खपत हो रही है वो भी जो है कम होगा। जैसे कि देखिए इसमें लगभग जो है सो 950 करोड़ लीटर पेट्रोल एवं डीजल की खपत में कमी आएगी, जिससे इस पर जो है सो खर्च होने वाला 62,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। ठीक है, अब 62,000 करोड़ मायने रखता है, जिससे हमारा जो इंडिया का इकोनॉमिक्स है वो काफी डेवलप कर जाएगा। अब दोस्तों देखिए क्या है कि ये जो फेम इंडिया योजना लाया गया है तो क्या ये सही में यहाँ पे काम करेगी? ठीक है, तो देखिए इसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होने वाले हैं और या अभी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो सबसे पहला जो है, तो पहला क्या है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडिया में। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद लेता है तो क्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में? नहीं है ना। अभी बहुत सारा जो है सो मतलब धीरे धीरे ये बढ़ेगा, लेकिन अभी जो है सो स्टार्टिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और अगर मान लीजिए कि जिस तरह से अगर डीजल या डीजल कार होता है, पेट्रोल कार होता है, और वो चलते चलते यदि उसमें खपत होने वाला होता है तो आपको रास्ते में पेट्रोल पंप मिल जाता है, लेकिन अगर इसका बीच में अगर कहीं आप जा रहे हैं और बीच में ही इसका चार्जिंग खत्म हो जाए तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में चार्जिंग पॉइंट आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अभी चैलेंजेस है। और सबसे ज्यादा क्या है कि ज्यादा गाड़ी नहीं है मार्केट में, अभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है अभी ज्यादा नहीं है, बिजली से चलने वाली जो भी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो ज्यादा नहीं है आज के डेट में। मतलब जो है सो बहुत ही कम
जो कंट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये इंडिया, इंडिया की यदि बात करें तो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जैसे कि यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला हो गया हुंडई कोना, दूसरा हो गया टाटा टाइगर ईवी, तीसरा हो गया महिंद्रा ई वेरिटो, चौथा हो गया महिंद्रा की E20+। ठीक है, ये मात्र चार कंट्री जो नाम मैंने अभी बताया, चार जो कंपनी है, ये चार मात्र कंपनी ऐसा है जो अभी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बना रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या है कि बिजली पे चलने वाली जो ये गाड़ी है, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे थ्री व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, ये बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि अगर मान लीजिए ज्यादा डिमांड होगा, ज्यादा लोग मतलब इसको लेंगे, तो एक दूसरे को देखने से भी लोग जो है इसको खरीदते हैं, तो ये तो अभी बहुत कम है। और साथ ही साथ क्या है, इसका कॉस्ट जो है ज्यादा पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि कॉस्ट इसलिए ज्यादा पड़ेगा कि अगर मतलब ये बैटरी पे चलेगा, ठीक है, तो नॉर्मल बैटरी पे चल तो मतलब सब्सिडीज बहुत ही कम मिलेगी, लेकिन इसमें क्या है, लिथियम बैटरी लगाना पड़ेगा। ठीक है, लिथियम बैटरी काफी पावरफुल बैटरी होता है दोस्तों। अगर मान लीजिए एक बैटरी यदि आप लगाते हैं लिथियम का, तो उसमें 50,000 तक जो है सो आपको खपत मतलब पैसा उसमें लग जाएगा। अब मान लीजिए बैटरी क्या है, बैटरी एक लंबे समय की तो प्रोसेस है नहीं, कभी ना कभी उसको खराब होना ही है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए लिथियम बैटरी अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं और लेते हैं, तो एक बार में आपका 50,000 तो ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी मतलब जो है सो काफी चैलेंजेस है, काफी सारा प्रॉब्लम है। तो अब बात आती है कि क्या ये फुलफिल हो पाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, यानी फेम इंडिया योजना तो हमने ले आया, क्या ये काम करेगा सही में? तो दोस्तों सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 के बजट में कही है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है तो उसके लिए लोन अगर वो लेता है तो उसको क्या है कि जो इंटरेस्ट है जो पे करना पड़ेगा उसको, उसको 1.5 लाख तक की उस पर जो छूट मिलेगी। साथ ही साथ क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो जीएसटी जो है, पहले मान लीजिए जो नॉर्मल ऐसे 12% जीएसटी लगता था, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे क्या कर दिया है, उसको कम करके मात्र 5% जो है इसको कर दिया है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम थी, अब देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी फेम इंडिया के जो ये लाया गया है, फेम इंडिया योजना जो लाया गया है, ये स्कीम जो लाया गया है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं दोस्तों। तो यदि इसके उद्देश्य की यदि हम बात करें, तो इसके उद्देश्य जो है, इस योजना के अंतर्गत यदि हम बात करें, तो 5 साल के लिए सभी इलेक्ट्रिक वाहनों, चाहे वो दो पहिया हो, चाहे वो थ्री व्हीलर हो, चाहे वो फोर व्हीलर हो, ठीक है, इसको वाहनों को खरीद पर जो है सब्सिडी दी जाएगी सरकार की तरफ से जो भी है, और काफी सस्ती सब्सिडीज दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है कि दूसरी जो मतलब उद्देश्य है इसका, देश में प्रदूषण कम करने और पेट्रोल डीजल के आयात पर जो है निर्भर घटाने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है। इससे क्या होगा, वायु प्रदूषण में कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, फ्रेम इंडिया के तहत जो है प्रौद्योगिकी के आधार पर यदि हम बात करें, तो बैटरी से चलने वाले स्कूटर या बाइक पे 1800 से लेकर के 29,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अगर हम तीन पहिए वाहनों की यदि हम बात करें, तो उस पर क्या है कि 3,300 से 61,000 यानी कि 61,000 रुपीज का प्रोत्साहन दिया जाएगा। और इसके उद्देश्य से क्या है कि 2030 तक जो है भारत को 100% बिजली से चलने वाले वाहनों वाला देश बनाना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 2030 तक जो है 100% बिजली से चलने वाला वाहनों का इसका उद्देश्य रखा है। क्या ये फुलफिल हो पाएगा? हमारे ख्याल से बहुत ही ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि 2030 तक बहुत ही कम है मार्केट में, आप देख रहे हैं डीजल पेट्रोल पर चलने वाले कार बहुत सारे हैं, और अभी तक जो है मतलब जो इसका लक्ष्य है उसमें बहुत ही कमी देखा जा रहा है। ठीक है, ज्यादातर जो है सो आप मान लीजिए ओला उबर ये सब हो गया, तो ये सब जो है सो इस यही सब जो है ज्यादा खरीद रहा है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसके बाद इसका उद्देश्य की यदि हम बात करें, तो फेम इंडिया के तहत 2022 तक, ठीक है, 2022 तक यदि हम बात करें, तो देश में 60 से 70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के दौरान जो है 950 करोड़ लीटर पेट्रोल एवं डीजल की खपत में कमी आएगी। ठीक है, अब 950 करोड़ लीटर खपत देख लीजिए कितना कितना बड़ा ये मतलब इतना लीटर है, और अगर मान लीजिए इतना बचता है तो इससे कितना रुपया जो है बचत होगा इंडिया को। उससे क्या होगा, हमारा जो जीएसटी मतलब जीएसटी सॉरी दोस्तों, जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो काफी डेवलप करेगा दोस्तों। अब बात करते हैं ये जो फेम इंडिया है, ठीक है, फेम इंडिया योजना है, इसको किन किन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा? तो इसको लागू करने का जो है दोस्तों, चार क्षेत्रों में इसको लागू किया जाएगा। पहला तो है इसका प्रौद्योगिकी विकास, यानी कि आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी, यानी कि जो ये बैटरी से चलने वाली व्हीकल्स है, इसमें जो है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तकनीकों को विकसित करना जो है सो पहला इसका उद्देश्य है, उसमें जो है सो खर्च किया जाएगा। दूसरा यदि हम बात करें यानी कि डिमांड क्रिएशंस, तीसरा यदि हम बात करें तो पायलट प्रोजेक्ट हो गया, चौथा यदि हम बात करें तो वाहन की चार्जिंग हेतु तो आधारभूत संरचना का विकास। ठीक है, यानी कि ये चार मतलब मुख्यतः चार ऐसे क्षेत्र है जिसपे काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा।
ठीक है। आइए बात करते हैं इसके फेज के बारे में। ठीक है, इसके दो फेज है दोस्तों। सबसे पहला फेज वन और फेज टू। ठीक है, फेज वन की यदि हम बात करें तो इसमें हम यदि बजट की बात करें फेज वन की, तो इसमें क्या है, बहुत ही कम मतलब इसका बजट दिया गया था दोस्तों, जिसके कारण जो है सो फेज टू लाया गया। ठीक है, तो फेज वन में जो है 895 करोड़, ठीक है, 895 करोड़ ही मात्र जो है इसमें बजट दिया गया था। ठीक है, और फेम इंडिया का जो है सो पहला चरण शुरू में क्या किया गया, जैसे कि इसका 2015 में जो इसको स्टार्टिंग किया गया था, ठीक है, 31 मार्च 2017 तक के लिए जो है सो प्रस्तावित किया गया स्टार्टिंग में। ठीक है, 15 से 2 साल तक, ठीक है, ये 15, 16, 17, ठीक है, 2 साल हुआ, यानी 31 मार्च 2017 तक के लिए प्रस्तावित किया गया था इसको। और उसके बाद क्या हुआ, इसकी अवधि 6-6 महीना पर जो है उसको बढ़ाया गया। ठीक है, 6-6 महीने के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2018 तक कर दी गई। देश में प्रदूषण कम करने और पेट्रोल डीजल के इंपोर्ट पर निर्भरता घटाने के लिए सरकार जो है इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। चलिए अब बात करते हैं फेज टू की। फेज टू में क्या है, फेज टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसमें जो है सो बजट भी जो है सो काफी ज्यादा दिया गया है। यानी कि आप देख सकते हैं जो फेज वन में 895 करोड़ बजट था, वहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 करोड़ रुपए की जो है सो इसमें बजट जो है सो दिया गया है। ठीक है, और फेज टू में क्या है कि 1 अप्रैल 2019 से 3 वर्षों के लिए इसको शुरू किया जाएगा। जो वहां पे वो 2 वर्ष के लिए था, वो यहाँ पे ये 3 वर्ष के लिए है। अब यहाँ देख रहे हैं कि दूसरा चरण की यदि बात करें तो 2019 से लेकर के जो है 2022 तक के 3 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा इसको। और इसके लिए कुल यदि बजट की यदि बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए की जो है इसकी बजट है। ठीक है, तो ये इसका जो है देख सकते हैं, ये फेज टू हो गया। और फेज टू में यदि और हम यदि बात करें तो फेज टू में क्या क्या मतलब और बात कही गई है कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तो बढ़ावा देना ही है, साथ ही साथ बिजली से चलने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर जोर दिया जाएगा, और इलेक्ट्रिक बसों के लिए जो है प्रोत्साहन राशि मॉडल अपनाया जाएगा। अब देखिए, अब दूसरा चीज आता है कि इसको चार्जिंग पॉइंट पे, ठीक है, कहाँ कहाँ इसका वो लगाया जाए। तो दूसरे फेज में ये भी बताया गया है कि जो मतलब हाईवे है, नेशनल हाईवे है या हाईवे है, ठीक है, उसे 25 किलोमीटर के अंतराल पर जो है दोनों तरफ, ठीक है, चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा, ताकि इसमें जो है कोई प्रॉब्लम जो है सो ना आए। ठीक है, तो ये सब जो है सो ये फेज टू का कंडीशन था दोस्तों। तो दोस्तों हमने अभी फेज टू कंप्लीट किया है। ठीक है, इसमें और भी कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, ठीक है, उसका विवरण देखते हैं जो फेज टू में क्या क्या और भी बातें बोला गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है बिजली से चलने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर जोर देना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, और देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना, यानी कि इसका यूज जो है सो जल्दी से जल्दी किया जाए उसको भी बढ़ावा देना फेज टू में कहा गया है। ठीक है, और इसके लिए कितना कितना सब्सिडीज दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो 2 व्हीलर पे कितना सब्सिडीज दिया जाएगा, 4 व्हीलर पे, ठीक है, बस पे कितना दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो है सो 3 व्हीलर पे, तो इसके अंदर जो है 10 लाख जो है 2 व्हीलर पे, 5 लाख 3 व्हीलर पे, और 55,000 जो है सो 4 व्हीलर पे, और जिसमें जो है 7,000 बस। ठीक है, इतना सब्सिडीज जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर देगी, और ये सब्सिडीज उसको मिलेगा जो लिथियम बैटरी लगाएगा दोस्तों, यानी कि एडवांस बैटरी लगाएगा उसी को ये सब्सिडीज दिया जाएगा। ठीक है, ताकि उसे क्या होगा जो इसका इस्तेमाल बढ़े और लॉन्ग टर्म के लिए जो है सो ये बना रहे। ठीक है ना, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करें दोस्तों।